हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और अब आशीष शेट्टी। और आज पावर हिटिंग का एक सेशन, पावर हिटिंग के बारे में एक ये टॉपिक रहने वाला है। एक सिक्स हिटिंग, ये मेरा सिक्स हिटिंग का वीडियो है। करंट 2020 एक मैच खेल रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आप पहले सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए। अभी 2020 है और मैंने इतने एफर्टलेसली, जो आपको लगता है कि ज़्यादा पावर यूज़ नहीं किया और इसमें छक्का मारा, तो इसका क्या रीज़न है? तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा टेक्निक वाइज इसको समझाता हूँ। यहाँ बॉलर अपने जस्ट जो बैकफुट कांटेक्ट है उसका, जब लैंडिंग करते हैं, जो बैकफुट लैंडिंग होता है उसके जस्ट जंप करने ही वाला है यहाँ पे, और मेरी पोजिशन अब तक स्टेबल है। इसमें मैं बैट थोड़ा ज़्यादा हिला रहा हूँ, थोड़ा सा बैट को एलिवेशन के लिए ज़्यादा हिला रहा हूँ। आगे बढ़ते, रिलीज होने के जस्ट पहले मेरा पैर यहाँ था हल्का सा, और अब तक मैंने पूरे तरह से अपने आप को कमिट नहीं किया है। कभी भी एकदम पूरी तरह से रिलीज होने से पहले अपने आप को कमिट नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर अपन ने पहले कमिट कर दिया तो बाउंसर डाल सकता है, स्लोअर वन डाल सकता है, कुछ और डाल सकता है। तो मैंने बहुत लेट कमिट किया है। अब देख सकते हैं कि मेरा हेड पोजीशन और बॉल की लाइन आप देखिए क्लियर एक लाइन में है, और ये मेरा पिच, ये पैर लॉक है और ये पैर अभी ओपन है, टोस पे है और ये लॉक है। थोड़ा इसकी ये इंटेंसिटी कम कर लेता हूँ मैं, और ये इरेज कर लेता हूँ फिर से एक बार, और अपन नेक्स्ट फ्रेम पे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये बैट क्लोज है और मेरा ये देखिए कि बैट ओपन है हल्की सी, रिस्ट से देखिए आप एक बार, रिस्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि ओपन है, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट फ्रेम पे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा लॉक ही है और ये बैट फेस ओपन है, सर वापस एक बार फिर से पूरी तरह से बॉल के लाइन में, जो कि बहुत ज़रूरी है बॉल के लाइन में रहना, ये पैर लॉक रहना, यहाँ से देखिए यहाँ से लॉक है और यहाँ से ग्रोइन खींची हुई है। ग्रोइन का जो इफेक्ट है, पावर जो फोर्स जनरेट हो रही है, ग्रोइन का बहुत बड़ा रोल है, हैमस्ट्रिंग ग्रोइन लेग्स का, तो वो बहुत बड़ा रोल है। ये टो पीछे पे टो पे आया और अब तक मेरा नी टच नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये जो टच होने की जो लेवल रहेंगी टच होने का, बैट यहाँ से आ रहा है मेरा, तो बैट ये ऐसे नहीं आएगा क्योंकि मैं सामने नहीं मार रहा हूँ, मैं थोड़ा सा स्क्वेयर ऑफ द विकेट मार रहा हूँ। जैसे ये मैंने मारा डीप मिड विकेट का फील्डर था और डीप स्क्वायर लगता है उसके बीच में मारे हुआ शॉट है। तो एक बार देख सकते हैं आप, थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं, ये देखिए अब देखिए ये बैट ऐसी सीधी नहीं आई, बैट ओपन होके आई और रिस्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, बैट पूरा शोल्डर से नहीं मारा, रिस्क का बहुत बड़ा इस्तेमाल है गाइस। रिस्क से बहुत स्पीड में अपने जो फाइबर मसल्स रहते हैं, जो रिस्ट सबसे अपने बॉडी में स्पीड में मूव होती है, तो रिस्ट का बहुत बड़ा यूज है। रिस्ट से बहुत पावरफुल छक्के मारे जा सकते हैं, बहुत लंबे छक्के रिस्ट का इस्तेमाल करते हो तो मारे सकते हैं। तो अब भी देख सकते हैं कि ये मेरा लॉक है कंटिन्यूसली, हेड पोजिशन देखिए बॉल पे है पूरी, ये देखिए पूरी, ये मेरे ड्राइंग में गलती है, मैं बहुत अच्छा कभी भी इतनी अच्छी पेंटिंग वगैरह नहीं करता था मेरे स्कूल में। और ये देखिए बैट आ रही है अब, राइट, बैट और रिस्ट से ही लॉक हो रहा है। ये वापस एक बार इरेज करते हैं और नेक्स्ट फ्रेम पे बढ़ते हैं। हाँ, अब अपने को एकदम सही फ्रेम मिली है। देखिए अब बॉल इंपैक्ट के टाइम में हाथ एक्सटेंडेड है, एकदम ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं है, स्पिनर के खिलाफ इससे भी ज़्यादा एक्सटेंडेड रहते हैं, थोड़े कम एक्सटेंडेड है, बॉल एकदम मिडल हो रहा है। अभी भी देखिए ये पैर लॉक है मेरा और यहाँ से थोड़ा सा लॉक ही है, जो ग्रोइन से बोले एक साइड का ओपन है हल्का सा, एक साइड से लॉक है, इससे वो जो फोर्स जनरेट होता है उससे बहुत फोर्स बहुत अच्छा जनरेट होता है। और ये अब पोजीशन देखिए आप, इंपैक्ट के वक्त पूरा स्टेबल में, एंगल बॉल क्रिएट कर रहा है फिर भी मैं उसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे पोजिशन में हूँ, आइज लेवल है, हेड लेवल है बॉल की तरफ और बॉल पर नज़र है। अब इसको इरेज करके अपन आखिरी फ्रेम पर बढ़ते हैं। देखिए अब आखिरी में, अब ये फ्रेम खत्म होती है,
अब देखिए मैं इस पे बैठा, पीछे के पैर पे थोड़ा हैमस्ट्रिंग पे मैं पीछे बैठा हूँ और ये पैर ओपन हो गया आखिरी में, एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट वो हुआ है। और देखिए कि मेरा जो मैंने रिस्ट से मार रहा है, आप देख सकते हैं कि पूरा मैंने बैट पूरा ऐसे शोल्डर लाइन पे, पूरा बैट पीछे नहीं जा रहा है, सिर्फ ये रिस्क का इस्तेमाल है आखिरी मोमेंट पे। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। पूरा मारने जाता तो हो सकता है कि बहुत बार वो कनेक्ट होने के चांसेस कम रहते हैं, पूरा पूरी तरह से पूरा इम्पैक्टफुल कनेक्शन नहीं हो सकता है। रिस्क का इस्तेमाल करते वक्त मैंने बॉल को अपने राइज होन दिया, राइज पे मारा तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला और ये आखिरी में छक्का हो गया। गाइस वापिस चलते हैं अपन, वीडियो को अच्छे से एक बार फिर से देख लेते हैं। राइट तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पावर हिटिंग सेशन में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और ये सारी चीज़ें ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस कर करके डेवलप होती है। पावर हिटिंग सेशंस में, ऑनलाइन कोचिंग में हम बहुत सारे ऐसे सेशंस लेते हैं, डाउन स्विंग, बैट स्पीड, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से बैटिंग को इम्प्रूव करने में, बॉलिंग को इम्प्रूव करने में, माइंड सेट इम्प्रूव करने में ऑनलाइन सेशंस में हम करते रहते हैं। और इसका फ़ायदा अगर आप उठाना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग से भी जुड़ सकते हैं या ऑफलाइन कोचिंग में आके भी हमारे एकेडमी में जुड़ सकते हैं। ऐसे काफ़ी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहूँगा गाइज। आई होप कि आप बहुत सारे छक्के मारे, बहुत डोमिनेट करें। अपने एकेडमी का मंत्र है प्रिपेयर टू डोमिनेट नॉट टू कम्पीट। आप उसका सही तरीके से यूज़ कीजिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए गाइज। फिलहाल के लिए इतना ही, टिल द नेक्स्ट टाइम। अगर कोई भी आपकी क्यूरीज है कमेंट बॉक्स में डालिए। टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।